इस बेजुबान की किसी से क्या दुश्मनी थी? यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस कुत्ते को गौरव सिंह ने ही मारा है। सेक्शन 428 के तहत एक जानवर की हत्या करने के जुर्म में आप इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। आपकी तारीफ। मेरा नाम ओमकार गुप्ता, मैं रिटायर्ड जज हूं। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि गौरव सिंह ने ही इस कुत्ते को मारा है? मैडम, मैं और मेरा पोता रोहन जब भी इस कुत्ते को खाना खिलाते थे वो हमेशा हमसे झगड़ा करता। वॉचमैन, इधर आ, इधर आ। तुझे कितनी बार समझाया है कि कुत्ता सोसाइटी में नजर नहीं आना चाहिए? सोसाइटी में कैसा आया था कुत्ता ये? और ये मास्क कैसे लगा रखा? ढंग से लगा? सॉरी सर। अरे क्या सॉरी, फिर तो छुट्टी करना पड़ेगी, तब समझ में आएगा तुझे। अभी सेक्रेटरी से बात करता हूँ। सर पता नहीं सर, सर मेरी नौकरी बच्ची है सर, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर। अरे रोहन, वो ब्लैकी के लिए बिस्किट ले लिए, और हाँ मेरा मास्क और शील्ड भी लेके आना। बाबा छोड़ो ना, अवॉइड करो ना, रहने दो। आते दादाजी ये मास्क। पुनीत जी, कुत्ता सोसाइटी में घुस के चला जाता है कई बार। अरे इसको मना किया, रोकने की रोकता नहीं है ये। छोटे छोटे बच्चे काटे क्या होगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका? आवारा कुत्ते को बुला बुला के खाना खिलाता है। अरे भूखे बेजुबान जानवरों को खाना खिलाना कितना पुण्य का काम होता है मालूम है? सब तो सारे होटल भी बंद हो चुके हैं। अरे तुम जैसे आदमी क्या जानोगे पुण्य का काम? अरे पुण्य का काम, ये पुण्य का काम है, किसी को काटे कुत्ता कैसे होगा? ओमकार जी का कुत्ता सोसाइटी में आया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा आपके लिए। तू डराएगा मुझे? हाँ। मारेगा? मार। तू मुझे जानता नहीं अभी मैं कौन हूँ? अरे तेरे को पुलिस लॉकअप के अंदर पीछे नहीं करवा दिया? मेरा नाम भी ओमकार गुप्ता नहीं। अब आप ही देखिए ना, इस वक्त हालात कैसे है। सब कुछ बंद है, दुकानें बंद है, होटल बंद है, इसको खाना कौन खिलाएगा? इसलिए हम लोग अपने घर से लाके खाना खिलाते थे। इसी बात पर गौरव हमसे झगड़ा करके चला गया। और वैसे भी इस बेजुबान को और कौन मारेगा? आपको क्या लगता है सर? गौरव ही है मैडम। हाँ मैम, गौरव अंकल ने हमारे ब्लैकी की जान ली है। रोहन क्या बकवास कर रहा है, चुप कर। मैं क्यों मारूंगा कुत्ते को? मैम आप भी इनके बेसर पैर की बातों पर विश्वास कर रही हैं? यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, हम लोग अंदर चल के बात करें? सब कुछ बकवास है मैम, सब कुछ बकवास है ये। अच्छा तो कल ब्लैकी को लेकर आपका ओमकार जी के साथ झगड़ा भी नहीं हुआ होगा, वो भी झूठ है। मैम कल मेरा झगड़ा हुआ था, वो आवारा कुत्ता हमारी सोसाइटी में आता था और हर आने जाने वाले पर भोंकता था, घुर्राता था। अरे मैम एक दिन तो हद हो गई, हमारी बेटी नीचे खेल रही थी और वो आवारा कुत्ता हमारी बेटी को काटने को दौड़ा। अगर मैं सही टाइम पर वहीं नहीं पहुंचता ना तो वो हमारी बेटी को काट लेता। हाँ मैम ये बिल्कुल सही बोल रही हैं। अब आप बताइए मैम, एक बाप होने के नाते मैंने सही किया या गलत? कुत्ते की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, पता तो चले मौत का असली कारण क्या है। मैडम इस लॉकडाउन में इतना प्रेशर है हम पे और रिस्क भी, ऐसे में हम लोग एक कुत्ते की मौत की इन्वेस्टिगेशन में लगे। क्यों? बेजुबान है इसलिए इसकी जान की कोई कीमत नहीं है? हमारी लॉ में कुत्ते की मौत को भी एक बड़ा जुर्म माना गया है। और दूसरी बात, जिस तरह ये गुप्ता और सिंह का झगड़ा है, मुझे तो डर है कि ये कुत्ते की मौत कहीं किसी बड़े जुर्म का कारण ना बन जाए। चलो
ठीक तो हो ना बेटा? मेरी तुम्हारे पापा से बात हो गई। लॉकडाउन खत्म होते ही हम नया पप्पी लाने वाले हैं, स्पेशली तुम्हारे लिए। अब तो खुश हो ना? सोचा। गुड नाइट। लेकिन उसने आंखों पर पट्टी क्यों बांध लिया? टेरेस पर जाकर देखें, वहां कुछ सबूत मिले। चल। हम जानते हैं आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल समय है, लेकिन हमें आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछने हैं। मेरा बच्चा। सर इतने बड़ा सीसीटीवी बाबा इधर सर, इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। ब्लैकी से जाने से दुखी था, मगर हमारा रोहन ऐसा कदम नहीं उठा सकता। तो फिर इतनी सुबह सुबह वो घर से निकला ही क्यों? क्योंकि कोई जबरदस्ती घर में घुसकर उसे छत पर ले गया हो, ऐसा कोई निशान दिख नहीं रहा यहाँ। रोहन का मोबाइल फोन मिल सकता? मैम फोन लॉक है। कोई बात नहीं, हम इसे खोलेंगे। वॉचमैन। जी सर। टेरेस का सीसीटीवी फुटेज चेक करना है। आइए सर, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। सर ये लैपटॉप तो किसी ने जला दिया। पता नहीं सर, मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया। अब क्या करेंगे सर, लैपटॉप में जो भी था वो तो सब उड़ गया, अब रिकवर कैसे करेंगे? सर्वर से पता चल जाएगा, सर्वर में 90 डेज का बैकअप होता है। इसका सर्वर आईडी पासवर्ड किससे मिलेगा? हमारे सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं पुनीत जी, उनके पास मिलेगा। चलो लेके चलो। आइए साहब। सच आपके सामने है, वो गौरव सिंह आपके सामने मेरे बेटे को डांट रहा था, आपको पता है ना? पर चलो आपकी बात मान भी ली कि रोहन की मौत के पीछे सिंह का हाथ है, लेकिन वो उनके कहने पर खुद से छत तक तो जाएगा नहीं। अनिशा गौरव की बेटी, उसके कहने पर वो जा सकता है। आप दोनों परिवारों की आपस में बनती नहीं सर, तो उनकी बेटी आपकी रोहन की दोस्त कैसे? लड़की का बाप ही ऐसा है, बच्ची को क्या बोल सकते हैं? डरती है क्या? डरती है भी डरपोक। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों डरा रहा है उसे? पहले ही सोसाइटी में इतना सब कुछ हो रहा है, ऊपर से अभी तू इसे डरा रहा है। आज उसका बर्थडे है पता है ना? तो मैं क्या करूं, उसको नहीं देखना अपने रूम में जाए, मैं देख रहा हूँ। बंद बंद बंद। मम्मी प्लीज यार। क्या हो रहा है?
जा दरवाजा खोल। नहीं आप खोलो, मैं मूवी देख रहा हूँ। मम्मा बोल रही है, जाओ। बेटा मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना। क्या रोहन आपका दोस्त था? वो गुप्ता का बेटा, क्यों होगा इसका दोस्त? दुश्मन है हमारे वो लोग। तनिषा बेटा आप मुझे बताइए, क्या रोहन आपका दोस्त था? तुम दोनों साथ में खेलते थे गेम्स वगैरह? कभी कभी शाम को बोर्ड्स लाइक चेस, बैडमिंटन और कभी कभी ब्लाइंड फोल्ड, दैट्स इट। तो आपके ग्रुप में ऐसा कोई था जिसे रोहन पसंद नहीं था या रोहन का उसके साथ झगड़ा था? मैम एक महीने से लॉकडाउन चल रहा है, हमने अपने बच्चों को नीचे जाने ही नहीं दिया, तो बताइए झगड़ा कैसे होगा? तनिषा बेटा तुम मुझे बता, ऐसा कोई था? मैम लॉकडाउन के कुछ टाइम पहले से ही रोहन हमारे साथ नीचे खेलने नहीं आता था। क्यों? पकड़ो 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 ऋषि कहाँ मिलेगा ये ऋषि? हम हमारी सोसाइटी में डी विंग में रहता है। सॉरी मैम मैंने तो बस मजाक किया था। लड़की है मैम, अब आपको तो पता है चलता रहता है ये सब तो, और वैसे भी छत से कूदा है तो सुसाइड ही क्या होगा। कभी सुना है किसी ने आंख पर पट्टी बांधकर सुसाइड की? और अबेटमेंट टू सुसाइड भी एक क्राइम है मैडम, बच्चे हैं होता रहता है, ऐसे बोलकर माँ बाप बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। और तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी रोहन से? मैं सच कह रहा हूँ वो कुछ नहीं था, मैं तो बस वो बुली कर रहा था उसे, मुझे सच में कुछ नहीं पता। रोहन का फोन अनलॉक होने में कितना टाइम लगेगा? टीम लगी हुई है मैम, हो जाएगा। उसका फोन अनलॉक होना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके कॉल्स और सोशल मीडिया से हमें कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। और सीसीटीवी कैमरा का क्या हुआ? सेक्रेटरी पासवर्ड भूल गया मैम, टीम ट्रैक करने में लगी हुई है। ये तो साफ है कि बहुत प्लानिंग से मर्डर किया है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन हो सकता है जिसके कहने पर रोहन घर से बाहर निकल सकता है। फोन अनलॉक होते ही मुझे बता। क्या क्या है, बेटी का बर्थडे है, कुछ तो सेलिब्रेशन होना चाहिए ना। अरे ठीक है, लेकिन ऐसे माहौल में सबको बुलाया जाता है क्या? मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया है, सिर्फ एक ही फैमिली को बुलाया है, वो भी अपने ही फ्लोर से हैं। ओहो मैं अब समझा कि तुमने किसको बुलाया। तुम बर्थडे पार्टी की आड़ में जो गुल खिलाना चाहती हो ना, मुझे सब पता है। शादी करके ना मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई है तुमसे। अरे जिंदगी तुम्हारी नहीं मेरी खराब हुई है, पागल था जो तुमसे शादी की मैंने। डैड मॉम प्लीज आज मेरा बर्थडे, प्लीज आज तुम मत झगड़ा करो। कुछ नहीं जाओ तुम तैयार हो जाओ, मैं आती हूँ। बट गेट रेडी फॉर पार्टी, बोथ ऑफ यू। हाँ हाँ पक्का पक्का। मैम कम इन मुकुल। मैम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, कुत्ते की मौत जहर देके हुई थी। ओमकार जी को तो काफी लगाव था कुत्ते से, इसका मतलब सिंह परिवार में से किसी ने ये किया है या फिर कोई और है जो गौरव जी को फंसाना चाहते हैं। और मैम वो लैपटॉप को किसी ने बहुत बुरी तरह से जला दिया। मैं देख के आता हूँ क्या हुआ। जल्दी जाओ ना, पूरा पोस्टर निकाल रहा हूँ। ओके ओके ठीक है ठीक है। वॉचमैन हमारे घर के बिजली चले गए, मीटर रूम चेक करना, चलो। ओके चलो।
ये देखिए सर, तार जला हुआ है, सिर्फ आप ही के फ्लैट की बिजली गई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझ के आपका कनेक्शन जलाया है। सही बोल रहे हो। देखा बेटा, जानबूझ के जलाया तार उसने, वही होगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। चलो आओ, आओ मेरे साथ। बेटा मुझे पता है उनका कमीनापन। आप आ, ये दोनों ने, ये दो बाप बेटों ने काटे, हमेशा वो जलते रहते हैं। 100% सुनो, तुमने हमारे घर की बिजली क्यों काटी? क्या बात कर रहे हैं, मुझे इसको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ मेरे घर पे मेरे बेटे की मौत का मातम बन रहा है, और जो लोग मेरे बेटे की मौत के जवाबदार है वो लोग आज खुशियां मना रहे हैं। वाह वाह वाह, तुझसे हमारे घर की खुशी देखी नहीं जाती है। ये देखे क्या बात है, तुम लोग मेरे बेटे के साथ तमीज से बात करना। कल यही तमीज है, कोई औकात नहीं आपके और आपके बेटे की। ये बड़ों के बीच में ज्यादा मेंढक मत बन, समझा ना तू? मत बनना। एक मिनट, एक मिनट भाई, भाई गौरव जी, क्या हम लोग आपस में लड़ते रहे? हेलो मैडम, पढ़े लिखे लोग हो ना, क्या कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो? अरे मैडम, इस ओमकार ने और इसके बेटे ने हमारे घर की बिजली काट दी थी। सर आपको कैसे पता कि इन्होंने आपके घर की बिजली काटी है? अरे मैडम जलते ही है, हमारे घर में पार्टी चल रही थी इसलिए बिजली काट दी। अगर अगली बार आप लोगों के खिलाफ कोई कंप्लेंट आई ना तो ठीक नहीं होगा। आप तो रिटायर्ड जज है सर, फिर भी ऐसे लड़ रहे हैं। चलो घर निकलो अपने अपने। चल बेटा। ओके, थैंक यू सर। मैम, कम इन। मैम, रोहन के सारे सोशल अकाउंट चेक किए मैंने, वैसे तो कुछ खास मिल नहीं पाया सिवाय एक चीज के। कुछ दिनों पहले उसने एक अजीब सा स्टेटस अपडेट किया हुआ। पिक्चर प्लान, इसका क्या मतलब हो सकता है? मैम। यस कम इन। मैम, रोहन का कॉल रिकॉर्ड निकाला मैं। मर्डर वाले दिन ना ही किसी ने उसे कॉल किया था, ना ही टेक्स्ट मैसेज। इसका मतलब उसको कॉल करके किसी ने नहीं बुलाया। इसका मतलब वो खुद से घर से बाहर निकला है और छत तक गया है। पर क्यों? वो तो पता नहीं मैडम, लेकिन रोहन पिछले कुछ दिनों से ऋषि को कॉल जरूर कर रहा था। ऋषि? लेकिन उन दोनों के आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। सच बताओ ऋषि, क्या छुपा रहे हो तुम? रोहन तुम्हें बार बार फोन क्यों कर रहा था? मैम, वो मैं रोहन की बहन अवनी को डेट कर रहा था, और उस दिन ऋषि, ये कौन है? करना, ये वो डीविंग वाला तो नहीं है ना? धीरे बोल, पापा सुन लेंगे। हाँ बच्चों, वो तो तेरी ट्यूशन में भी आता है। क्या मैसेज कर रहा है वो तो देखो। आई लव यू बोल रहा है। मेरा फोन दे मुझे, दे इधर। अवनी के कहने पर उसने काफी दिनों तक कुछ नहीं कहा, फिर अचानक से कुछ दिन पहले 3000 चाहिए मुझे। कौन बोल रहा है? अवनी का भाई। 3000 चाहिए, वो भी आज के आज। अवनी, अवनी ठीक है ना? अभी तक तो ठीक ही है, आगे जो भी होगा वो तेरे एक डिसीजन से होगा। अभी तो पागल हो गया क्या तू, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? हेलो रोहन, हेलो। वो मुझे बार बार फोन कर रहा था और मैं उसे हर बार मना कर रहा था। मुझे उसकी शक्ल से चिढ़ उठ गई थी, इसलिए मैंने सबके सामने उसकी पैंट उतार दी। और मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, उस रोहन के बच्चे ने अपने बाप के सामने सब कुछ बक दिया, और हमने कब घर से बाहर निकलना भी बंद हो गया। ऋषि जी। अंकल आजा, बढ़िया छोड़ता हूँ। ठीक है, आजा आजा। अंकल हमारी सोसाइटी का रास्ता तो पीछे निकल गया। चुप करके बैठ जा, चुपचाप बैठा रहा।
अवनी अभी बच्ची है, अभी भी वक्त दूर रहे उससे। जेल गया ना बेटा, बहुत लंबा जाएगा, समझा? पता है ना बाबा जज थे मेरे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी। क्या चलो उतर, उतर गाड़ी से उतर, पैदल जा, चल सोचने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, चल उतर। याद रखना दूर रहना उससे। तो इसलिए तुमने? नहीं नहीं मैम, मैं उस दिन के बाद से बहुत डर गया था, और उस दिन के बाद मैंने अवनी से बात तक नहीं की। हाँ मुकुल। मैम सीसीटीवी फुटेज रिकवर हो गई है। गुड। पुनीत घर पे था नहीं, और उसकी फैमिली होम टाउन में अटकी हुई थी, तो मैंने चाबी वॉचमैन को दे दी कि जब भी वो आएगा तो वहीं से ले लेगा। और आपने चाबी क्यों ली थी? मैं सोसाइटी का ट्रेजरर हूँ, तो फाइल्स देख रही थी मुझे। किया क्यों? ये केस तो उलझता ही जा रहा है, ये मर्डर नहीं सुसाइड है। लेकिन मैडम उसे सुसाइड करना ही था, तो आंखों में पट्टी बांधने की क्या जरूरत थी? वो तो बिना पट्टी बांधे भी कूद सकता था। वही तो, और वो सोसाइटी का लैपटॉप क्यों खराब करेगा? और एक बच्चा सुसाइड क्यों करेगा? मैम ऐसा भी तो हो सकता है पढ़ाई का कुछ प्रेशर हो, ऑनलाइन ट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम हुई हो। उसकी स्कूल टीचर से बात करते हैं। ये तीनों रोहन के अच्छे दोस्त हैं। आपके सामने बोलने में इन्हें हेजिटेशन होगी, इसलिए आपको लॉग आउट करना होगा। ओके। तो टेल मी, आप रोहन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, BFF टाइप्स? आपके अलावा भी रोहन के कुछ फ्रेंड्स होंगे, शायद बेस्ट फ्रेंड्स, या जिससे रोहन की दुश्मनी हो? देखिए घबराइए मत, आप जो कुछ भी बोलेंगे वो सिर्फ हमारे बीच रहेगा, टॉप सीक्रेट। मैथ टीचर मिसेस बैनर्जी। इतना छोटा सा क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे रोहन, लाइफ में तुम क्या करोगे? तुम्हारे जैसा भोंदू लड़का मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा, गधे हो तुम गधे। उस दिन के बाद पूरी क्लास रोहन को गधा बुलाती थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि रोहन मेरे वजह से मर गया? हो सकता है ना मैडम, आपकी जलीलियत नहीं सह पाया बच्चा। उस दिन मैं उसके पेरेंट्स से गुस्सा थी, उनको कुछ नहीं पड़ी थी कि उनका बच्चा पास हो या ना हो। मैम इतना बुरा परफॉर्मेंस हमारे रोहन का पहले कभी नहीं रहा। वही तो, आप लोगों को उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ? इसलिए आपको हम इतनी सारी फीस देते हैं। लेकिन मैम ये आपकी जॉब है, ये देखना कि बच्चा ठीक से पढ़ रहा है या नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। मैम देखिए मैम, अगर आपसे होता है तो ठीक, वरना हम प्रिंसिपल से बात करते हैं। उन लोगों को अपने पैसे का बहुत लोभ है, लेकिन इस बात का गुस्सा उस बच्चे पे निकल जाएगा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, और रोहन कुछ ऐसा कदम उठा लेगा। जरूरत पड़ने पर दोबारा बुला लेंगे, अब आप जा सकती हैं।
तो खुलेआम हमको धमकी मिल रही है। क्या लगता है कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? एक ही तो है। देखिए सर, पुलिस सबूतों पर चलती है और ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। जरा सेक्रेटरी से बात करके पता लगाओ कि ये गुप्ता और सिंह का क्या झगड़ा है। ओ मैडम, स्कूल में और घर में बुली होना अगर रोहन की सुसाइड की वजह है, गुप्ता जी को थ्रेट नोट मिलना, तनिषा के बर्थडे पार्टी के दिन उनके घर की लाइट ऑफ होना, कुछ तो छूट रहा है हमसे। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब रोहन की सुसाइड से जुड़ा हुआ है भी या नहीं। एक काम करो, रोहन के घर जाकर उसके बुक्स, नोटबुक्स, लैपटॉप सब चेक करो, कुछ ना कुछ क्लू तो जरूर मिलेगा। यस सर। बेटा तेरी माँ कहाँ है? वो ग्रोसरी की शॉप पे। और तू कहाँ जा रही? मैं बुक्स लेने। फोन क्यों नहीं उठा रही? नीलिमा मैं परेशान हो गया हूँ, कितना टाइम हो गया हम लोगों को एक साथ, अब तो छोड़ दो उस आदमी के साथ रिश्ता। मंगेश प्लीज, गुड़िया छोटी है अभी, ये सही टाइम नहीं है डिवोर्स का। इतने दिन रुके हो और थोड़े रुक जाओ ना प्लीज। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा सबर कर लो, मैं निकलती हूँ। लेकिन जल्दी करना। हाँ जल्दी करूंगी। आइए मैडम, आइए आइए आइए, इतने टाइम लगता शॉपिंग करने में? हाँ एक मिनट, कहाँ घूम रही थी तुम? अरे एक मिनट, सैनिटाइज तो करने दो। क्या हुआ है? तुम्हें कितने फोन किए मैंने, तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। वो फोन साइलेंट पे था और हाथ में सामान था तो ध्यान नहीं आया। वाह बहाने तो बहुत अच्छे बना लेती हो, चलो मेरे साथ अंदर। पहले देखो अंदर, क्या हुआ ये देखो, ज्वेलरी कहाँ है, कहाँ गई यहाँ से? इन सब से क्या मिलेगा आपको? कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा गुप्ता जी। चलो थैंक यू। क्या सोच है तुम्हारी? अच्छा ये बताओ, तुमने नहीं बेचे इस घर में है कौन? मेरे बारे में ऐसे सोच, ऐसे कहां भाग के जा रही हो? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहां गई? कहां भाग के जाओगी? एक मिनट, सॉरी, क्या चल रहा है यार? सर वो हमारे घर की ज्वेलरी चोरी हो गई। सबके घर में रहते हुए गहनों की चोरी? आप लोगों की काम वाली बाई क्या काम पे आ रही है? नहीं 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 आ रही सर। आखिरी बार गहने कब देखे थे? शनिवार को देखे थे, जब मैं अपनी फाइल को कबर्ड में रख रहा था। अच्छा, और आपने? कुछ समय पहले पार्टी में गई थी तभी मैंने पहने थे। आप एक काम कीजिए, गहनों की लिस्ट और फोटोग्राफ्स हमें दे दीजिए, हम देख लेते। कामरे क्या आइए सर। मैम। कम इन मुकुल। मैम रोहन की नोटबुक्स, लैपटॉप और मोबाइल सब चेक किया मैंने, इन तीनों में एक चीज कॉमन मिली है, ये देखिए मैम, इस प्लांट की पिक्चर। ये सेम पिक्चर उसकी सोशल मीडिया साइट पर भी है जिसका स्टेटस है आई एम द पिक्चर प्लांट। ये चक्कर क्या है पिक्चर प्लांट का? मैम मैं इंटरनेट पे सर्च करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए।
चल। चल गया कि तुम शॉपिंग करने के बाद भी थी। शॉपिंग नहीं तो मैं अपने आशिक से मिलना होता। दिमाग तो सही है ना? कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। मैंने अपनी आंखों सब कुछ देखा है जो तुम कुल खिला रही हो। घर में बच्ची के कुछ भी मत बका करो। बकवास बकवास तुम क्या रही हो? अब आशिक नहीं कर रही हो? क्या कर रहे हो आप? अरे इसका दिमाग खराब हो गया। मम्मी पे हाथ मत उठाओ। मम्मा हद कर दी। मैम मेरी बात सुनो। अगली बार अगर औरत पे हाथ उठाया ना तो थोबाड़ फोड़ी। मैम लॉक करे। मैम मेरी बात तो सुनो। मैम मैम एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बता चलो। इस एप्लीकेशन पर दुनिया भर के जवान लड़के लड़कियां गेम खेलते हैं। इस गेम में अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। शुरुआत में इजी टास्क होते जैसे झूठ बोलना, हॉरर फिल्म देखना, लेकिन जैसे जैसे इस गेम में आगे बढ़ते वैसे वैसे टास्क डिफिकल्ट और घातक बन जाते हैं, जैसे चोरी करना, सामने वाले को नुकसान पहुंचाना, और सबसे आखिर में आंखों पर पट्टी बांधकर टेरेस के किनारे पर खड़े रहना, दस चक्कर लगाना और नीचे कूद जाना। अब समझ आया ये खेल। पहले जानवर की मौत, फिर झूठ का पर्दाफाश, फिर दोनों घरों में चोरी। अभी कुछ दिन पहले ओमकार गुप्ता जी के घर में कुछ पैसे चोरी हो गए। मैम रोहन ने यह गेम खेलकर ऑलरेडी अपनी जान गंवाई। अब ऐसा लग रहा है सिंह परिवार में से कोई ये खेल रहा है। ये देखिए मैम, इस ऐप पे मुंबई के 20 यूजर एक्टिव है और इनमें से एक का आईपी एड्रेस अपने एरिया का है ना। आईपी एड्रेस का यूजर आईडी क्या है? यस मैम। जी गिरीश सिंह। आईपी एड्रेसेस ट्रेस करके सबको इन्फॉर्म करो कि बच्चों की जान खतरे में है। यस मैम। गिरीश तुम ठीक तो हो? मतलब मुझे क्या होगा? पीचर प्लांट है। हाँ ये पेंटिंग तूने निकाली है ना? ये मैंने नहीं बनाई, ये गुड़िया ने बनाई है। गुड़िया? अरे तनिषा, हम उसे घर पे गुड़िया बुलाते हैं। तनिषा कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले ही वॉक पे गई थी। टॉप फ्लोर मैम। करने जा रही थी गुड़िया? क्यों? ताकि सब ठीक हो जाए।
तो वही पैसे है ना जो तुम्हारे दादू के कमरे से चोरी हुए थे। तुम किसी को बताओगी तो नहीं ना? नो, वैसे भी मेरे पापा अच्छे नहीं है, और तुम्हारे दादू ने उन्हें पुलिस को दे दिया ना तो ही अच्छा होगा। तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास, मैं भी ये टास्क कंप्लीट करके सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, फिर एक एक करके सबको सबक सिखाऊंगा। कैसे? पिक्चर प्लांट, ये देखो पिक्चर प्लांट चैलेंज, इसे कंप्लीट करके तुम सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाओगी और फिर आराम से एक एक को सबक सिखा दूंगी। तो कबूतर मार के तुमने ही रखा था और अपने जन्मदिन के दिन खुद ही लाइट बंद की थी। टास्क था, उसे पूरा करना था, और वो ब्लैकमेल वाली वीडियो, पापा मम्मा को बहुत डांटते थे, तो मैं नहीं चाहती थी कि मम्मा पापा के साथ में रहे। सभी बच्चों को सक्सेसफुली इस गेम से बाहर निकाला गया है। गुड, और वो टास्क मेकर उसका कुछ पता चला? मैम सर्वर बेंगलुरु का बता रहा है, और इस तरह के ऐप्स पूरी दुनिया में अवेलेबल है। फिलहाल ये ऐप ब्लॉक कर दिया गया है, बेंगलुरु पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया, जल्दी वो टास्क मेकर भी पकड़ा जाएगा। खैर, लेकिन तनिषा और बाकी बच्चों की जान तो बच गई। हम अपने बच्चों का एडमिशन अच्छे से अच्छे स्कूल में कराते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर मुनासिब प्रयास करते हैं, उनके परवरिश में कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। हर माँ बाप इसी सुकून के साथ जीते हैं कि उनका बच्चा उनकी निगरानी में और घर के अंदर सेफ है। लेकिन हर बंद घर में एक दरवाजा खुला रह जाता है, इंटरनेट। नहीं, इंटरनेट गलत नहीं, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों के फ्रीडम को डाउट करें या उन पर कोई रोक लगाए, बल्कि हमें उनकी बदलती सोच को समझना होगा, उनके स्वभाव की गहराई को समझना होगा, उनके पसंद नापसंद को समझना होगा, उनके साथ वक्त बिताना होगा, ताकि कोई अनजान इंसान आपके मासूम बच्चे के मन को भटका ना सके। सिर्फ तन से नहीं बल्कि मन से भी बलशाली बनना होगा, उनके ख्याल को चिंगारी देनी होगी और सोच को पंख। अक्सर माँ बाप ये गलती कर जाते हैं, वो डिजिटल दुनिया में बिलीव करते हैं और अपने बच्चों के हाथों में गैजेट्स थमा देते हैं, क्योंकि वो खुद उसमें खोए हुए रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। खासकर इस समय जब पूरा परिवार एक साथ इस मुश्किल दौर का सामना कर रहा है। याद रखिए, रास्ता लंबा और अंधेरा हो सकता है, लेकिन जब उम्मीद की सुबह होती है तो मुश्किलों के बड़े से बड़े बादल छट जाते हैं। इसी विचार के साथ मैं एकता शिंदे आपसे विदा लेती हूँ। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।